हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और ये वीडियो मैं पॉलिटेक्निक के उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में। और आप चाहे किसी भी ब्रांच के हों, आपको कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन ऐसे हैं जो पढ़ने ही पड़ते हैं। तो उनमें से एक सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, जो कि सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं इनका, ये आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि आपके जो इंजीनियरिंग ब्रांच के सब्जेक्ट्स होंगे आगे चलकर और इस सब सेमेस्टर में भी, तो उनमें इनका यूज़ होता है। इसीलिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। और बाकी ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, जो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है और या फिर आपका एक पर्सनैलिटी है, वो डेवलप होकर के आए। तो इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको उसमें क्या पढ़ना है, आपको उसे क्यों पढ़ना है, और अगर आप पढ़ेंगे तो उसे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, कहाँ कहाँ पर आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो आइए, देर न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं इस साथ में ये भी बता दूं कि चूंकि ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांच में कॉमन है, इसलिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। तो देखिए, ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस है और इसमें मैं बता दूँ आपको, 5 थ्योरी पीरियड, 5 लेक्चर्स होंगे आपके, जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 2 प्रैक्टिकल के पीरियड होंगे। यानी कि टोटल 7 पीरियड आपको हफ्ते में फिजिक्स के लिए दिए जाएंगे आपके कॉलेज में। 5 लेक्चर जो होंगे वो आपके, ज़्यादातर ऐसा होता है कि दो दो कंबाइंड करके होते हैं, 2 लेक्चर एक साथ, 2 लेक्चर एक साथ और एक अकेला लेक्चर, और लैब के जो 2 लेक्चर हैं वो कभी किसी दिन और हो जाएंगे या इन्हीं के साथ एडजस्ट किए जा सकते हैं। वो जैसा टाइम टेबल आपके कॉलेज में बनेगा उस हिसाब से हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, जो यूनिट्स दी हैं यहाँ पर उनके आगे कितने पीरियड्स में वो कवर की जाएंगी कॉलेज में, ये तो लिखा है, लेकिन कितने मार्क्स का आएगा इससे ये नहीं लिखा है। तो इसको देखने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा और लास्ट में देखिए, ये आता है आपका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड्स एंड मार्क्स। तो पहला यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, ये इस तरह से 7 यूनिट है आपकी टोटल। और पहली यूनिट से देखिए 100 नंबर का ये बनाया है, परसेंटेज बनाया ना 100 में, हमारा पेपर केवल 50 मार्क्स का आता है। तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि 7.5 नंबर इससे, 7.5 नंबर इससे, 7.5 नंबर इससे, 7.5 इससे, 5 इससे, 8 इससे, छठी यूनिट से 8 नंबर का आएगा और 7वीं यूनिट से 14, यानी कि 7 नंबर का आएगा। तो इस तरह से लगभग आपका पेपर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चैप्टर आपका है, यूनिट जो है, वो 6th यूनिट बनती है। तो आइए अब डिटेल्ड कंटेंट्स पे चलते हैं। पहली यूनिट है हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन, और इसमें देखिए नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वान्टिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, FPS, CGS, SI यूनिट्स। इसमें से FPS, CGS तो केवल इंफॉर्मेशन के लिए हैं, लेकिन SI यूनिट्स आपको डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, विमाएँ, विमी विश्लेषण, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान दें, विमाएँ और विमी विश्लेषण, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाएंगी। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी कि विमीय समांगीयता का सिद्धांत, ये सब बताया जाएगा। डायमेंशनल इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशन हैं मालूम होंगी जो 12th करके आए बच्चे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10th वाले बच्चों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और 11th वाले बच्चों के लिए रिवीजन है एक तरह से। कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटीज़ को चेंज करना, जैसे 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तरीका यहाँ पर बताया जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई इक्वेशन दी है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये सी चीज़ें बताई जाएंगी। डिराइविंग रिलेशंस अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो उनके बीच में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये 3 एप्लीकेशन थे जो डायमेंशनल एनालिसिस के होते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, ये चीज़ बताई जाएगी। इसी में देखिए एरर के भी कंसेप्ट हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन क्या होता है, रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एरर, इन सब की डेफिनेशंस हैं आपके पास। एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबल एरर्स इन द रिजल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, अगर 2 क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवीजन हो रही हैं या पावर में हैं, तो उस केस में एरर कैसे निकाली जाएगी। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी कंसेप्ट आपके पास हैं, सार्थक अंक जिसे कहते हैं, उसके कंसेप्ट भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन मेजरिंग लेंथ, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ब्लॉक्स, वायर्स, पाइप्स, ये सब चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी और तब जाकर के आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगी। और इस यूनिट से लगभग आपका 7 से 8 नंबर का आएगा पेपर में। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे, फोर्स एंड मोशन, इससे भी 7 या 8 नंबर का पेपर में आएगा और देखिए 10 लेक्चर्स में ख़त्म किया जाएगा ये कॉलेज में। इसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वैक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन उनका वैक्टर्स का कैसे होता है, जोड़ते घटाते कैसे हैं,
इसके ऊपर बेस्ड ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ हैं, त्रिभुजों का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। और देखिए इनके केवल स्टेटमेंट्स हैं, इनके प्रूफ नहीं है, जबकि 12th क्लास में 11th क्लास में आपने देखे होंगे इनके प्रूफ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा वही है, सिलेबस जो है हमारा अप्लाइड साइंस फिजिक्स है, ना कि कोर फिजिक्स। तो ये चीज़ जो है वो केवल आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को सपोर्ट देने के लिए है, वहाँ पर क्या क्या अप्लाई होगा जा करके। इसके बाद स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन और सदिश गुणन, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन और लॉन रोलर का कंसेप्ट है कि उसको ढकेलना या खिसकाना, किस में से क्या काम आसान होता है, कौन सा टफ होता है। इसके बाद फोर्स मोमेंटम मतलब बल और संवेग, इनके बारे में है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, उसका एप्लीकेशन जैसे है रिकॉयल ऑफ गन, अभी हमने लर्निंग आउटकम में भी देखा था, ये चीज़ें सब हल्का सा शॉर्ट में दी थी। इसके बाद इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आवेग जिसे कहते हैं उसके क्या उपयोग हैं, ये सब डिस्कस करने हमें। सर्कुलर मोशन के बारे में आता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, फेमस रिलेशन है वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपके सिलेबस में है इसका प्रूफ। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सब आपके सिलेबस में है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल क्या होता है, एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रिपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विद एग्जांपल्स, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, इनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, कैसे कहाँ से डिराइव होते हैं, और उसके बाद इनके एग्जांपल्स डेली लाइफ में क्या हैं, जैसे रोड सड़कों को झुका देना, साइक्लिस्ट का झुक जाना, और अपकेंद्रित का सिद्धांत। अपकेंद्रित का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज इन लिफ्ट्स, क्रेन, लार्ज स्टीम इंजन एंड टर्बाइंस, यहाँ पर कैसे कैसे फोर्स लगते हैं, इन सब के बारे में, ये सब सिलेबस में है हमारे। इसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट पे, वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए 10 पीरियड में ये ख़त्म करी जानी है और इससे भी 7 या 8 नंबर का आता है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, वर्क एंड इट्स यूनिट, एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो वर्क, मतलब आपको काम होता हुआ तो दिख रहा है लेकिन वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आ रहा है, ऐसा कब होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, संरक्षी तथा असंरक्षी बल। इसके बाद फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है इसका, एक ओल्ड कंसेप्ट चलता है, एक मॉडर्न, हमारे में मॉडर्न है। हालांकि जब मैं इसे बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो मॉडर्न के साथ पहले ओल्ड कंसेप्ट भी बता दूंगा, और फिर ओल्ड कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी, तब मॉडर्न कंसेप्ट ने कैसे उनको रिमूव किया, ये चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। टाइप्स, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है, लिमिटिंग मतलब सीमांत, सीमांत घर्षण के नियम क्या हैं, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक क्या है, एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, कहाँ पर ये यूज़ होता है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन फॉर रफ एंड प्लेन सर्फेसिस विद इट्स एप्लीकेशन, अगर हमारे पास इंक्लाइन सर्फेस है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हम जो है वो चला रहे हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उस केस में क्या क्या कैसे कैसे वर्क डन होंगे, ये सब कैलकुलेट करने हैं हमें। एनर्जी एंड यूनिट्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जांपल, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, इनके सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, उनके डेरिवेशंस। वर्क एनर्जी थ्योरम एक होती है उसके बारे में भी, हिंदी में इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये 10th क्लास में भी होता है, 11th में भी होता है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे में बदली, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। पावर्स एंड यूनिट्स, शक्ति के बारे में है। कैलकुलेशन ऑफ पावर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन ए ब्रेक सिस्टम, जैसे गाड़ियों में, कार वगैरह में जो ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो किस तरह से लगाए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ऑफ मूविंग व्हीकल्स, बाइसिकल, स्कूटर, कार, ट्रेन, जैसा जैसा जिसमें अरेंजमेंट है वो सब बताया जाएगा आपको इसके बारे में। इसके बाद हम चलते हैं चौथे यूनिट में, रोटेशनल मोशन, इससे भी 7 या 8 नंबर का आता है और 10 लेक्चर्स में इसे ख़त्म करा जाता है। अब देखिए 10 के 12 हो जाएं या 8 में ही कोई ख़त्म कर दे वो एक अलग बात है, मतलब सिलेबस हमारा ये कहता है कि ये चैप्टर इस लेंथ का है कि इसको 10 पीरियड में ख़त्म किया जा सकता है। देखिए इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन विद एग्जांपल्स, सरल रेखीय गति और घूर्णन गति, इनके जो एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क विद एग्जांपल्स, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण, इसके उदाहरण भी हैं हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब ये हुआ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और इसको आपको क्वांटिटेटिव पढ़ना है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको अलग से बताऊंगा एक वीडियो में, क्योंकि ये आपकी पूरी फिजिक्स में काम आएगा। अक्सर इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं ये चीज़ें क्या हैं,
और इस वजह से फिर वो चीज़ें उनको टफ लगने लगती हैं। एंड इट्स एग्जांपल्स, क्या कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इसके, वो सब डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, जड़त्व आघूर्ण और उसका भौतिक महत्व, ये भौतिक महत्व जो है अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसका। रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, कुछ कैसे भी पढ़िए आप, गायरेशन कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग जायरेशन पढ़ते हैं, बहरहाल घूर्णन त्रिज्या इसे कहते हैं फॉर रिजिड बॉडी। थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेटमेंट ओनली, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय के केवल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। 11th क्लास में इसके प्रूफ भी होते हैं लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, डिस्क, रिंग एंड स्फीयर, क्षण का, डिस्क का, रिंग का, वलय मतलब और गोले का, ठोस भी हो खोखला भी है, तो उनके केवल फॉर्मूले हमें देखने हैं, याद करने हैं, उनका डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील क्या होता है तो उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। देखिए इसके आगे है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग ऑफ स्फीयर ऑन द स्लैंट प्लेन मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा, और फिर एक नत समतल पर गोले का लुढ़कना, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपैरिजन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, इनमें क्या कंपैरिजन है ये बताया जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड मशीन्स, रोटेशनल मोशन का जो है वो व्हीकल्स और मशीन्स में क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है। इसके बाद आइए चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ये 8 लेक्चर्स में कवर करी जाती है और इससे आपके एग्जाम में लगभग 5 नंबर का आता है, तो थोड़ा सा छोटी यूनिट है, आसान भी यूनिट है। ये अच्छा होता कि ये इस यूनिट से ज़्यादा नंबर का आता क्योंकि ये बच्चों को बहुत आसान लगती है। देखिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति के कैपलर के नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन मतलब स्मॉल जी की वैल्यू और कैसे वो बदलती है इसके बारे में है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट का जो मोशन कैसे होता है और उसका कक्षीय वेग, उसका सम आवर्तकाल, उसकी टोटल एनर्जी, उसकी बंधन ऊर्जा, उसकी ये सब कंसेप्ट आपके पास हैं, और साथ ही साथ एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन ऊर्जा और पलायन वेग, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, इनके कंसेप्ट्स हैं आपके पास एंड दे आर यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स हैं और ये आपके पास एक दो साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुए हैं सिलेबस में। इसके बाद आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 6 पे, बड़ी यूनिट है और 8 नंबर का आता है पेपर में से। इसमें सबसे पहले आपके इलास्टिसिटी के कंसेप्ट्स हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक का नियम, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ये फेमस है। इसके बाद प्रेशर के कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशन, यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब क्या होते हैं, 14 बैरोमीटर और उसके एप्लीकेशन, ये सब हमारे पास है सिलेबस में। इसमें से 14 बैरोमीटर हो सकता है आपने ना पढ़ा हो 12th क्लास में, 11th क्लास में, वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, उसके कंसेप्ट्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्श कोण, कैपिलरी एक्शन मतलब केशिकात्व, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन फ्रॉम कैपिलरी राइज मेथड, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, ताप और अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब भी हमारे पास सिलेबस में है। विस्कोसिटी एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब श्यानता और श्यानता गुणांक, टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग, स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और एप्लीकेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स, इसमें विस्कोसिटी का क्या यूज़ है, ये सब हमें पढ़ना है। देखिए सिलेबस ज़्यादा है फिजिक्स में, लगभग पूरी 11th है, लेकिन पूरी 11th को पढ़ने के लिए एक साल मिलता है आपको, पर यहाँ पर आपको केवल 3 या 4 महीने मिलते हैं, तो इसलिए आपको शुरू से ही स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन, स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो मतलब लिक्विड या गैस बहती हैं तो किस तरह से बहती हैं, स्ट्रीम लाइन यानी धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह, ये क्या होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि सततता का समीकरण, बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, ये सारी हमारे सिलेबस में हैं। इसके बाद देखिए लास्ट यूनिट आती है हमारी, 7 नंबर का इससे आता है और 10 लेक्चर में ख़त्म करी जाती है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप में क्या फ़र्क है, मॉडल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण, इनको एग्जाम्पल से समझाना है। फिर है डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, रूमर स्केल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं, इनके भी क्या रिलेशन है,
एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, प्रसार कैसे होता है, फैलते कैसे हैं टेम्परेचर देने पर, कोफिशियंट ऑफ लीनियर सर्फेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड रिलेशन अमंग्स देम, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3, इस तरह का रिलेशन आपको डिराइव करना है। इसके बाद हीट कंडक्शन इन ए मेटल रॉड, किसी रॉड में कैसे हीट फ्लो होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता गुणांक, इसके बारे में डिस्कस करना है। यूज़ एंड इफेक्ट ऑफ हीट कंडक्शन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में ऊष्मीय चालन से क्या मतलब एप्लीकेशंस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या उस पर आधारित घटनाएं हैं, इनके बारे में हमें देखना है। फिर है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होते हैं, क्या उनमें वर्क डन होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा, जीरोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में चार लॉज होते हैं, थर्ड लॉ आपके पास नहीं है, जीरोथ फर्स्ट और सेकेंड हैं आपके पास। हीट इंजन का कंसेप्ट है आपके पास केवल, और कार्नोट साइकिल है, हालांकि इसके साथ कार्नोट इंजन भी पढ़ लिया जाता है पूरा, क्योंकि पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ थर्मोमेट्री इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये देखिए एक दो साल पहले नया जुड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में भी हल्के हल्के कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। तो इस तरह से ये हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है जो आपको कॉलेज में करवाए जाएंगे, उनकी डिटेल्स है, हमें अभी इस समय इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। और देखिए मीन्स ऑफ असेसमेंट, आपका जो पूरे साल का असेसमेंट है, यानी कि सेशनल और मार्क्स वगैरह, ये सब ये किन किन के ऊपर डिपेंड करता है। असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं आपको, क्विज दी जा सकती हैं, मिड टर्म एंड एंड टर्म रिटन टेस्ट होंगे आपके, मिड टर्म और एंड टर्म एग्ज़ाम ये आपके सेशनल के लिए होते हैं। मॉडल मेकिंग, एक मॉडल बनवाया जा सकता है आपसे, एक्चुअल लैब एंड प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा सकता है, और वाइवा, इन तरीकों से आपका असेसमेंट होगा फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स ये आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस था, और मैं जो लाइव क्लासेस लेता हूँ उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और मैं बता दूँ कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये सारी ब्रांच में कॉमन है। अगर पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो फिजिक्स का सिलेबस जो है काफ़ी लंबा सिलेबस है, मैंने बीच में भी डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि पूरा 11th का लगभग सिलेबस है इसमें, और टाइम आपके पास कम रहता है, इसलिए 12th वाले तो रिवीजन करना ना छोड़ें, लेकिन 10th वाले बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा मेहनत करें, और किस तरह से उन्हें क्या करना है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे एक, कि 10th पास वाले बच्चों को क्या दिक्कतें महसूस होती हैं, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे तो वो अच्छे नंबर ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।